सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मैं चर्चा करने आया हूं ऐसी जिसे सुनकर के आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, आपको हंसी भी आ सकती है कि भारत का असली चेहरा क्या है। भारत में एक राज्य है कर्नाटक और उस कर्नाटक में एक जिला है कोप्पल और उस कोप्पल में एक गांव है मियापुरा। उस गांव में सभी जाति बिरादरी के लोग रहते हैं। बहुत बड़ा हनुमान का मंदिर बना है, बोर्ड लगा हुआ है कि गांव का स्पृश्य, गांव का अछूत, बाबा साहब की भाषा में गांव का अनटचेबल मंदिर में दर्शन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी बाबा साहब के आंदोलन से दूर, भगवान बुद्ध के आंदोलन से दूर लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर के बाहर गिड़गिड़ाते हैं। बात कुछ ऐसे है कि चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति है, उसके बेटे का जन्मदिन है और उसको आशीर्वाद दिलाने के लिए वो मंदिर के बाहर भगवान से हाथ जुड़वा रहा था। तभी 2 साल का अबोध बच्चा क्या जानता है, उसे क्या पता है अच्छा और बुरा, भाग करके मंदिर में चला जाता है। पुजारियों ने उसे बहुत मारा और कहा कि अछूत तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में आने की। बात इतनी ही नहीं रुकी, सभी सवर्णों ने बैठक बुलाई, मंदिर की कमेटी ने बैठक बुलाई और निर्णय हुआ कि इस अछूत बालक ने मंदिर को अपवित्र कर दिया है, अर्थात इसके शुद्धिकरण के लिए सामग्री जुटाई जाए। बैठ करके चर्चा हुई और जुर्माना लगाया 23,000 रुपए। जब ये उस बाप को बताया गया कि आप पर 23,000 का जुर्माना लगा है क्योंकि आपके मंदिर ने, आपके बच्चे ने इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है, बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। धीरे धीरे उस अस्पृश्य जातियों के लोगों में, अनटचेबलों में ये बात पानी की तरह, आग की तरह फैल गई। वो भी लोग इकट्ठे होने लगे, बात थाने अदालत तक पहुंची, कह सकते डीएम एसडीएम के पास पहुंची। तो ये चूंकि संविधान मनुस्मृति, ये भारत मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, ये बाबा साहब के संविधान से चल रहा है और संविधान में भेदभाव छुआछूत वर्जित है, अर्थात पुलिस ने उन 5 लोगों को जेल भेज दिया है। विचार करिए कि आज भी भारत में इतनी नफरत लोगों में है, ये अपने साथ कुत्ता पाल सकते हैं, कुत्ते को किचन में ले जा सकते हैं, अपने साथ बैठाल सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जिन्होंने अपने षड्यंत्र से ही गरीब बनाया है, छोटा और नीच बनाया है, उसके छूने से ये पवित्र हो जाते हैं। ये असली भारत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब वो घुसने नहीं देते हैं तो वहां जाने की जरूरत क्या है। बाबा साहब आपको विकल्प देखे गए हैं, बाबा साहब भगवान बुद्ध का मार्ग देखे गए हैं, बाबा साहब बुद्ध की अंगुली पकड़ा के गए हैं कि आपको बुद्ध की अंगुली पकड़ करके आगे बढ़ना है, जहां कोई छुआछूत जातवाद नहीं है और अपना विकास करना है। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुधर रहे, नहीं मान रहे हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। आज भी भारत में ऐसा हो रहा है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और उस परिवार से, उस समुदाय के लोगों से अपील करता हूं कि एक बड़ा सा कार्यक्रम करिए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आकर के इस कार्यक्रम में दीक्षा देने का काम करूंगा, तभी इन सामंतवादी लोगों को जवाब दिया जा सकता है, उनको नीचा दिखाया जा सकता है। जिन्होंने तुम्हारी अस्मित से खेला है, तुम्हारे मान सम्मान से खेला है, तुम्हारी इज्जत को तार तार किया है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ऐसा एक घटना नहीं है, भारत में जितने भी सामंतियों के बड़े बड़े गांव हैं उनके कुओं पर, उनके पानी पीने की जगह पर, उनके नलों पर आज भी अस्पृश्य नहीं जा सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब एक हो जाओ। अगर जातियां मजबूत होंगी तो सामंती मजबूत होंगे और अगर जातियां कमजोर होंगी तो सामंती कमजोर होंगे। ये बात मेरे बहुजनों के भी समझ में नहीं आई है। 20 साल का अंबेडकरवादी, 30 साल का बुद्धिस्ट आज भी अपने नाम के पीछे जातियां चिपका करके घूम रहा है और गर्व करता है और कहता भी है कि हमसे ज्यादा बाबा साहब और बुद्ध के बारे में नहीं जानते हैं। ये दोहरी नीति, ये दोहरा चरित्र किस लिए? ये बाबा साहब के विचारों की हत्या करने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये बहुत जघन्य घटना है, बहुत बड़ा अपराध है। लोगों के साथ न्याय हो और ऐसी व्यवस्था के खिलाफ काम हो। शासक आप कई बार बन गए लेकिन व्यवस्था परिवर्तित नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता हूं कि शासन सत्ता को पाने के लिए आप लगे रहिए, पैरेलल व्यवस्था परिवर्तन का भी काम आपका चलता रहे, तभी ये बुद्ध का भारत, अशोक का भारत और बाबा साहब का भारत बन सकता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।